इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जेठालाल कहें या कहें मैंने प्यार किया फिल्म का रामू, नाम है इनका दिलीप जोशी। दिलीप जोशी एक इंडियन फिल्म और टेलीविजन एक्टर हैं। इन्होंने बहुत से इंडियन मूवीज और टेलीविजन सीरीज में काम भी किया है। आज की इस वीडियो में हम दिलीप जोशी के बारे में सभी कुछ जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर वन, दोस्तों दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और वे 1989 से लेकर अभी तक टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक एक्टिव हैं और उन्हें स्पेशली तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसे पॉपुलर टीवी शोज और फिल्मों के जरिए जाना जाता है। उनकी शादी हुई हेमलता जोशी से, जिससे कि उन्हें दो बच्चे भी हुए। नंबर टू, दोस्तों अगर दिलीप जोशी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो दिलीप जोशी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पोरबंदर के गोसा गांव में हुआ था। जब वो बीकॉम कर रहे थे तब वे इंडियन नेशनल थिएटर के लिए 2 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किए गए। उनकी शादी हुई हेमलता जोशी से और उनसे उनको 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम नियति है और लड़के का नाम ऋत्विक है। नंबर थ्री, दोस्तों अगर दिलीप जोशी के कैरियर की बात करें तो दिलीप जोशी ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया से किया था, जिसमें उन्होंने रामू नाम के नौकर का किरदार निभाया था। उन्होंने और भी बहुत से फिल्मों में काम किया, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और हम आपके है कौन। नंबर फोर, दोस्तों दिलीप जोशी ने मैंने प्यार किया फिल्म करने से पहले बहुत से गुजराती ड्रामास में काम किया है। दिलीप जोशी ने दुनिया है रंगीन और वाह क्या बात है जैसे साउथ इंडियन शोज में काम भी किया है। नंबर फाइव, दोस्तों साल 2008 में दिलीप जोशी को पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल गड्ढा का रोल प्ले करने का ऑफर मिला। नंबर सिक्स, दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टीवी शो में दिलीप जोशी की परफॉर्मेंस देखकर लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे और इसके साथ ही उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इनमें प्रमुख हैं टेली अवार्ड्स और ITA अवार्ड्स। नंबर सेवन, दोस्तों दिलीप जोशी ने बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टीवी सीरियल हैं जिन्हें लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया। इनमें शामिल है कभी ये कभी वो, हम सब एक हैं, शुभ मंगल सोधान, क्या बात है, दाल में काला और मेरी बीबी वंडरफुल। नंबर एट, दोस्तों दिलीप जोशी ने छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे के फिल्मों में भी काम किया है। इनमें शामिल है मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, सर आंखों पर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, दिल है तुम्हारा, 1-2 का 4, हमराज, फिराक, डॉन मुथु स्वामी, ढूंढते रह जाओगे। नंबर नाइन, दोस्तों वैसे तो दिलीप जोशी को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख अवार्ड हैं, जैसे कि पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो कि 2012 में बेस्ट टीवी कॉमेडियन एक्टर के लिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद उन्हें जी गोल्ड अवार्ड से 3 बार सम्मानित किया जा चुका है बेस्ट कॉमेडियन एक्टर के लिए। इसके बाद उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स के लिए इन्हें 2 बार सम्मानित किया जा चुका है और ये भी बेस्ट कॉमेडियन एक्टर के लिए। नंबर 10, दोस्तों अब हम बात करेंगे दिलीप जोशी के सैलरी के बारे में। वे तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे पॉपुलर टीवी शो से कितने रुपए डेली के कमा लेते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे पॉपुलर टीवी शोज के लिए वो पर डे के 85,000 रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।